फ्रेंड्स, आज कुछ नया हो जाए। खुशनुमा मौसम है, रोज दलिया खाते हुए उबली सब्जियां खाते हुए परेशान है। अब सब्जी खाने का नया तरीका क्या है? वेजिटेबल स्पैगेटी। आज नई रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। आपके लिए आवश्यकता है आटे वाले नूडल्स, पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, लाल बेल पेपर्स। आपके पास अगर ये सब हो, पास्ता पे डालने वाली चीज़ें जैसे ऑलिव्स, आपके पास अगर आप पसंद करते हैं तो मटर या कॉर्न, कुछ भी, ब्रोकली, फूलगोभी, जो जो अवेलेबल हो, वो सारी वेजिटेबल्स, फ्रेंच बीन, सभी बहुत फायदेमंद है। और छोटे छोटे बेबी टोमेटो, ये सब ले लें। इन सबको बराबर से चॉप कर लें, इनको सोटे कर लें, और आपकी जो नूडल्स, आटा नूडल्स, इनको खोलते हुए पानी में उबाल लें, थोड़ा सा तेल डालें जिससे चिपके नहीं, ठंडे पानी से धो लें, झाड़ लें। वेजिटेबल्स को आपने थोड़ा सा तेल पैन में डाला, वेजिटेबल्स डाली, सोटे किया, सोटे करके आपने थोड़े से आटा नूडल्स भी मिला दिए, टोमेटो प्यूरी डाल दी, जो आपने टोमेटोज को उबाल के बनाई थी, टोमेटो प्यूरी डाल दी, थोड़ा सा सोया सॉस भी डाल, और गार्निशिंग के लिए सिके हुए तिल 1 चम्मच डाल दिए, जो आपके कैल्शियम से भरपूर है, थोड़ा सा विनेगर डाल दिया, और थोड़े से चिली फ्लेक्स, थोड़े से ओरिगेनो डाल दिया। लीजिए, तैयार है कलरफुल यम्मी यम्मी वेजिटेबल स्पैगेटी। खाइए, पूरा न्यूट्रिशन पाइए एक प्लेट भर के, जो वेजीज से फुल है। आपका लंच या डिनर कुछ भी हो सकता है, और आप फिर भी वेजिटेबल, अपना वेट भी रिड्यूस करेंगे और न्यूट्रिशन भी पूरा पाएंगे। तो इंजॉय करिए इस बारिश के मौसम में, खुशनुमा मौसम में, खुश हो जाइए। चेंज हो गया आपका खाना। ओके, बाय।